हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर uh, फर्स्ट uh, का जो बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका हम लोग थर्ड पार्ट यहाँ पे करने वाले हैं ओके okay? स्टार्ट तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वही बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आपको अच्छे वीडियोज़ मिल सके ऐसे ठीक है कंटिन्यूसली सो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो इसके पहले वाले जो पार्ट्स है उसमें हम लोगों ने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है देखा सॉफ्टवेयर के कैटेगरीज देखे हार्डवेयर क्या होता है सॉफ्टवेयर क्या होता है मेमोरी यूनिट क्या होता है फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स वगैरह देखे फिर उसके पहले पार्ट में हम लोग कंप्यूटर सिस्टम देखा और आई uh, क्या होता है ये सब हम लोगों ने देखा आई टी क्या होता है डिफिनेशंस फिर टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेस क्या होती है आजकल की वो सब हम लोगों ने देखा अगर आपने नहीं देखा होगा वीडियो तो आप आई बटन में चेकआउट कर सकते हो या फिर uh, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो ठीक तो है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे जो भी आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो ओ जैसा ठीक है ना जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट रहता है जिससे कंप्यूटर जिस मदद से कंप्यूटर मतलब चलता है आपका वो और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जैसे कि आपके जो भी सॉफ्टवेयर है जैसा आप अभी नोट यूज़ कर रहे हुए या फिर आप वर्ड प्रोसेसर वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन यूज़ करोगे या फिर लेबर ऑफिस बेस ये ये इसमें आप यूज़ करोगे मतलब आपके आईटी में लेबर ऑफिस बेस एक सॉफ्टवेयर हो गया या पावर पॉइंट हो गया ये सब क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि एंड यूजर प्रोग्राम्स हम लोग जिसको बोलते हैं ठीक है ना तो ये एंड यूजर्स के लिए मतलब आप जो यूजर्स हो एज अ आपके लिए ये यूज़ होता है एक्चुअली मतलब आप लोग यूज़ कर सकते हो पर ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये सब एक जैसा बिल गेट्स ने कैसा विंडोज इन्वेंट किया मतलब वो पूरे कंप्यूटर को कैसे चलना है हार्डवेयर की मदद से है कि नहीं तो वो सब एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है तो ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि मैंने बताया अभी दैट इज डेटा बेस्ड प्रोग्राम्स हो गया वर्ड प्रोसेसर होता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया जैसे आप स्प्रेडशीट्स हो गया मतलब वही ऑफिस के ले लो सब जो भी सॉफ्टवेयर uh, uh, जो एम एस पावर पॉइंट है फिर वेब ब्राउजर्स है या स्प्रेडशीट्स हो गया बहुत सारे एम एस एक्सेस वगैरह सब कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे मैंने बताया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ वगैरह वगैरह ये सब आपका होता है जो कि देखो दैट अलाउज़ डिफरेंट एप्लीकेशन वेरियस कॉम्पोन हार्डवेयर सच एज दिस कीबोर्ड वगैरह टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बराबर जो आपका ओ एस क्या करता है ये सब को ये जो आपका यू कैन से ये जो सब आपका आ, मतलब जैसा हम लोगों ने देखा ये पिछले इसमें भी देखा था ये मॉनिटर है आपका ठीक है फिर ये सीपीओ है आपका ठीक है और ये कीबोर्ड एक छोटा सा ही लेते हैं हम लोग कीबोर्ड तो ये सब को आपस में जोड़ना चलाना ये सब कौन करता है अंदर का ओएस करता है ओएस मतलब कौन अभी जैसे मेरे इसमें क्या है विंडोज डला है तो देखो यहाँ पे विंडोज डला है मेरे इसमें अभी मैं आपको बता दूँ देखो ये मेरा विंडोज से चल रहा है अपना काम काम बन रहा है अपना ठीक है ना तो ऐसा आप बोल सकते हो तो ये सब क्या होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये ध्यान में रखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट अलाउज डिफरेंट एप्लीकेशन एंड वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर एज मॉनिटर प्रिंटर माउस ये सब कम्युनिकेट करने को लगाता है एक दूसरे से ठीक है सो ए कंप्यूटर वुड नॉट बी फंक्शन करेक्टली विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं चलेगा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं रहेगा तो ठीक है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कम्युनिकेट करने के लिए ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ भी मदद करता है हार्डवेयर के साथ हिसाब से ठीक है ना तो ये सब हो गया फिर बाद में दूसरा पॉइंट दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ये अप होता है जाइड से है जब चालू करते हो बुट्स होता है बुटिंग होता है ओके okay, फिर ये बात क्या करता है बुटिंग में क्या चेकआउट करता है सब प्रॉपर कनेक्टेड है कि नहीं प्रॉपर ऑपरेशनल है कि नहीं ठीक है सो ऑपरेटिंग सिस्टम सेलफोन में भी होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हो भी होता है ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन से प्रीलोडेड होता है ओके okay? पहले लोड होने के चालू होने से पहले ही लोड होता है जैसे ही टैबलेट में हो गया कंप्यूटर में हो गया या लैपटॉप सेलफोन जो भी है जो यूज करते हो या आप जो खरीद कर खरीदते हो प्री लोडेड आता है ठीक है ना लाइसेंसिंग के साथ आता है कभी कभी ठीक है जैसे कि ये देखो लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका विंडोज का होता है ठीक है ना विंडोज का जो है वो लाइसेंस्ड कॉपी होता है ऐसा आप ये नहीं कर सकते मतलब ऐसा डायरेक्ट से उठा के नेट से ऐसे नहीं डाल सकते ठीक है ना वो है फिर आपका अगर लिनक्स वगैरह हो गया तो वो क्या रहता है वो फ्री होता है ठीक है ना लिनक्स वगैरह फ्री होता है तो यू कैन टेक दैट सो वही दिया हुआ है यहाँ पे और वही है बाकी देर आर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओके जैसे कि यू कैन से इट इज़ एडवाइटल टू यूज़ दोज ओ एस इंस्टेड ऑफ पायरेट वंस ओके मतलब जो फ्रीली डाउनलोडेबल है वही जैसे मैंने बताया लिनक्स वगैरह ये सब फ्रीली डाउनलोड हुआ आप लिनक्स के साइट में जाओगे तो फ्रीली आपको मिलेगा या मिंट ओ एस करके भी एक आता है वो भी वो एक आप यूज़ कर सकते हो फ्रीली करके ठीक है तो यहाँ पे देखो लिस्ट करना है तो आप लिस्ट करो ज़रा ओके क्लोज में विंडोज़ आ जाएगा और ओपन में विंड हो बाद में लिनक्स होस वगैरह आ जाएगा बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स देखो पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए डॉस ओके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो काला कलर का ऐसे कमांड फ्रॉम जैसा आता है ठीक है वो होता है जो कि नाइनटीन के ज़माने में यूज़ किया जाता था कमांड फ्रॉम विंडो जैसा फिर विंडोज़ जो आज भी यूज़ करते हैं हम लोग सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन होता है विंडोज से ओके ये कब हुआ था 1985 और 1987 ये या साल ज़रा ध्यान में रखो ये कब हुआ था नाइनटीन एटीज़ में अर्लीज़ में हुआ था ओके नाइनटीन ऐटीज़ एंड अर्ली नाइनटीन में हुआ था मतलब इसके बीच में कहीं हुआ था फिर ये 85 और 87 में ये विंडोज़ आ गया था फिर मैक ओ जो है वो एप्पल का है जो एप्पल का जो पीसीज होता है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैक ओ ठीक है फिर क्रोम ओ एक होता है जो कि क्रोम वगैरह में यूज़ होता है जो कि गूगल ने खुद क्रिएट किया हुआ है ठीक है वो वाला फिर यूनिक्स ओके यूनिक्स वगैरह किसके इसमें यूज़ होता है जो कि ए टी एन टी मतलब यूनिक्स भी एक अलग है यूनिक्स हो गया लिनक्स हो गया ठीक है ना तो ये भी ये, लिनक्स जैसे ये मतलब कमांड्स वगैरह रन करता है और ये कब हुआ था ट्रेडमार्क थे नाइनटीन से जो कि ए टी एन टी एम्प्लॉयज़ ने बेल लैब्स में किया था ए टी एन टी बेल लेबोरेटरीज में उधर के एम्प्लॉयज ने इसको ये इन्वेंट किया था ठीक है बाद में आपका लिनक्स है लिनक्स ये भी एक ओपन सोर्स है ओके मल्टी यूज़र यू कैन से एक है जो कि मेमोरी रैम रिसोर्स वगैरह यूज़ करके मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट में uh, काम करता है मतलब मल्टी टास्किंग वगैरह आप इसमें कर सकते हो ठीक है तो ये एक सिंपल सा था अद ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन्स ये तो पता है आपको सबको जो भी एंड्रॉयड आ गया है सबको पता है गूगल का है ओके प्रोवाइडेड बाय गूगल एंड्रॉयड एक है ये भी फ्री है और ओपन सोर्स है एक आशा करके है जो कि नोकिया फ़ोन से यूज़ होता है ठीक है ना नोकिया फोन यूज़ करते हैं और ये क्या है क्लोज सोर्स है मतलब पैसा देना पड़ेगा इसका फिर बाद में ब्लैकबेरी होता है ये तो पता है ब्लैकबेरी का ब्लैकबेरी ओएस आता है जो ब्लैकबेरी फोन्स में आता है ठीक है स्मार्टफोन्स और टैबलेट डिवाइसेस में और एक है आईओएस भी होता है जो कि आईफोन आईओएस एप्पल का जो होता है ठीक है ना आईओएस पता है आपको ओके एप्पल का तो एप्पल ये भी क्लोज सोर्स है क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ठीक है ना तो आईपैड और एप्पल वालों के पास ही ये होता है एप्पल टी वी सेकेंड जनरेशन एप्पल टीवीज में भी होता है फिर विंडोज फ़ोन है ओके जो विंडोज का भी फोन बीच में आया था अभी तो मैं देखा नहीं इतना चलते हुए बस एंड्रॉयड और एप्पल का ही ज़्यादा चलता है ज़्यादा करके तो एंड्रॉयड ही है तो विंडोज़ फोन इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इट इज क्लोज सोर्स अगेन यूज फॉर मोबाइल फ़ोन्स ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू जी एन यू लीनक्स जी एन यू मतलब जी एन यू मतलब नॉट यूनिक्स ऐसा होता है एन फॉर नॉट एंड दिस ये क्या है ये इट यू कैन से फ्री सॉफ्टवेयर फिलोसॉफीज है ओके okay, मतलब uh, कंपनीज़ ऑर्गनाइजेशन वगैरह यूज़ करती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओके ये भी फ्री है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और यू कैन से पर्सन कोई भी पर्सन बंदा ये इसको व्यू कर सकता है ये सॉफ़्टवेयर कोड को पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो भी है ठीक है ना और इसका कोड भी वगैरह ऑडिट करके मतलब यू कैन से कुछ एक मैलिशियस uh, कोड uh, के लिए भी चेकआउट कर सकता है मतलब मैलिशियस टास्क तो नहीं हो रहा है ना वो सब चेकआउट uh, करके यू कैन से जो भी यूज़र प्रोग्राम्स है uh, उसके फीचर्स हैं वो सब फिक्स आउट करके यू कैन यूज़ कर वो यूज़ कर सकता है ठीक है ना तो जो भी क्वालिटी कोड है बेसिकली इसका रिजल्ट देखो यहाँ पे विद दिस रिजल्ट इन हायर क्वालिटी कोड एंड मोर सिक्योर प्रोग्राम दिस इज वाई यू कैन से लिनक्स इज यूज इन प्रीडोमिनट बैक ऑफ द इंटरनेट मैनी वेबसाइट्स जो भी विजिट करते हो रन ऑन जी एन यू होता है ठीक है ना तो इन 2018 थाउजेंड एटीन यू कैन से वर्ल्ड फाइव हंड्रेड कंप्यूटर्स रन ऑन लिनक्स जैसे कि मैंने पहले ही बताया लिनक्स भी फास्ट है और सुपीरियर है और मल्टी uh, टास्किंग भी यू कैन से फैसिलिटी देता है इसलिए वो यूज़ होता है तो दो मेन पार्ट है इसके ओके okay, तो कंप्यूटर के जैसे जी वाई एक है एक सी एल आई एक कमांड लाइन के हिसाब से आता है मतलब जो अगर मैं आपको बता दूँ ऐसा सी एम डी के हिसाब से ओके okay, ये देखो ये सी एम डी ऐसा होता है ठीक है ना ऐसा सी एम डी आप ऐसे करते हो मतलब जो भी है तो सी एम डी के मतलब ये सी एम डी होता है और एक अलग से ऐसा दिखेगा आपको देखो इसमें दिया हाँ देखो ये एक ऐसे एक मतलब यूज़र इंटरफेस जैसा दिखेगा ठीक है ना तो ये आप बोल सकते हो ये टोटल ये जो है ना ये पूरा ये यूज़र इंटरफेस है और वो जो था मैंने जो बताया था ये वाला ये कमांड लाइन इंटरफेस है ठीक है ना तो अभी देखो मैं एग्जिट लिखूंगा चला जाएगा ये ठीक है ना कमांड लिखते हैं मतलब इसमें ऐसे क्लोज वगैरह नहीं करके आप लिखते हो इसमें चीज़ें ठीक है तो यही है दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो जिसमें आइकन्स बॉक्सेस जैसा दिखा है ना मैं जैसा ऐसा सब दिखता है ऐसा रंग रूप सब दिखता है इसमें देखो ये वाला बॉक्सेस दिख रहा है ना यहाँ पे ये देखो ये आपका ये ऐप का मेनू दिख रहा है इधर ये बॉक्सेस दिख रहा है ये आपका टाइमिंग दिख रहा है ठीक है ना ये सब सिस्टम मेनू ये सब जो दिख रहा है वो है आपका जियो आई जिसमें नहीं दिख रहा है वो होता है आपका वो वही सब दिया है जियो आई जीनोम वगैरह ठीक है लेफ्ट बार में पैनल होता है करंट ओपन प्रोग्राम्स होते हैं ओके okay, वही है पॉपअप वगैरह वही वाईफाई इंटरनेट इधरनेट देखो ये सब जो है इधर सब रहता है वाई का इंटरनेट का ये सब रहता है ये देखो ये साउंड का है ठीक है ना तो ये सब यू कैन से इसमें सब लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स में या जो भी इसमें होता है ठीक है अभी सी एल आई में क्या होता है जैसे मैंने बताया कमांड फॉर्म्स के हिसाब से होता है ठीक है दैट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस होता है ओके यूज़र इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर टेक्स्ट के हिसाब से टाइपिंग कमांड जैसे अभी मैंने उसमें किया था ना कि एग्जिट कमांड टाइप किया था सी डी कमांड टाइप किया था सी डी मतलब चेंज डायरेक्टरी वो क्या था तो वैसा होता है तो यहाँ पे देखो डिफॉल्ट सी एल आई जो होता है ओवन टू इज दिस इज कॉल्ड बैश ओके एंड द कंप्यूटर कमांड प्रोसेसर दैट रन इन ए टेक्स्ट विंडो वेयर द यूजर टाइप्स द कमांड आर कॉल द एक्शंस ओके जो भी एक्शंस वगैरह हम लोग उसमें टाइप करते हैं तो जो भी डिफरेंट कमांड्स है यहाँ पे देखो आ, ये देखो ओबेन ट्रू डैशबोर्ड दिया हुआ है ये पूरा ये फाइल एक्सप्लोरर और सॉफ्टवेयर सेंटर दिया हुआ है इसके ऐसा नहीं है ये इसका पार्ट नहीं है ये अलग है ठीक है ना ये सी एल के मैंने यहाँ पे बता दिया था पहले ही आपको ठीक है ना ये आप इन लोग दिखा रहे कि डैशबोर्ड कैसा दिखता है मतलब आपका जो यूजर इंटरफेस है लिनक्स का वो कैसा दिखता है वो ऐसा दिखता है देखो इसमें सब वॉडा सिटी ये आपका बुक नोट कैलकुलेटर कैलेंडर फिर इधर पैनल पैनल में सब दिखता है आपका मतलब ये लिबर ऑफिस राइटर है ठीक है ना आपको लेवर ऑफिस बेस है ना डेटा के लिए वो फिर ये आ, फायर है ठीक है ना फायर फॉक्स है ये तो ऐसे सब आइकन्स है और ये फाइल्स है टोटल तो इसको डबल क्लिक किया तो जो भी फाइल्स फोल्डर्स है वो सब दिखेगा आपको फिर यहाँ पे जो ऑनलाइन आप सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करना रहेगा तो वो ये सॉफ्टवेयर एक्सप्लोरर भी यहाँ पे एक होता है ठीक है तो यही था स्टूडेंट्स ये सेगमेंट में ठीक है ये सब बेसिक्स हम लोगों ने देखे तो यहाँ पे देखो ये कमांड्स दिए जैसे मैंने सी डी कमांड दिया देखो मैंने सी डी कमांड दिया था ना देखो वो यहाँ पे है ठीक है एक एग्जिट कमांड भी मैंने दिया था एल एस मतलब लिस्टिंग डायरेक्टरीज एल एस से क्या होगा लिस्ट होगा और स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये कमांड्स अच्छे से करो बिकॉज आप कंप्यूटर साइंस वगैरह कुछ भी करते हो फ्यूचर में तो उसमें आपको ये सब्जेक्ट एक अलग से ही आता है पी डब्ल्यू मतलब प्रिंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो होता है वो प्रिंट करने का रहता है मतलब आप कौन से डायरेक्टरी में हो आप ऐसा हुआ माए आप कौन हो वो बताता है इसमें ओके एल एस सी पी यू सीपी यू का लिस्ट बताएगा टच ओके okay, फिर फाइल जो है नया क्रिएट करना है कैट कमांड होता है देखो यहाँ पे दिया कैट में क्या करें कंटेंट्स का एंट्री करेंगे मतलब कॉन्केटिनेट करेंगे मतलब उसमें डाल देंगे वो फाइल जैसे कि अभी कैट फाइल वन डॉट टी एच टी स्पेस फाइल टू डॉट टी एच टी मतलब फाइल वन डॉट टी एच टी का जो भी है यहां पे देखो फाइल वन डॉट टी एच टी का जो भी फाइल्स जो भी कॉन्टेंट्स है वो क्या हो जाएगा फाइल टू डॉट टी एच टी में कॉपी हो जाएगा वो ठीक है ना वो होता है आपका कैट फिर इको इको प्रिंट करने के लिए क्लियर क्लियर करने के लिए नैनो ये सब है बस आप एल देखो पीडब्ल्यू देखो ओ देखो सी देखो कैट देखो इको देखो और है क्या नहीं और नहीं दिया तो इतने आप बेसिक कमांड्स देख सकते हो ठीक है वही सब दिया हुआ है यहाँ पे देन जी एन यू लिनक्स फाइल सिस्टम हिरारकी दिया हुआ है देखो फाइल सिस्टम हिरारकी देखो रूट डिरेक्टर का ऐसी होता है फिर ये देव स्लैश देव में क्या होता है डिवाइस फाइल्स जो होता है वो होता है जो भी डिवाइसेस के फाइल्स होता है सेंसर बैटरीज इंटरनल डिवाइसेस जो भी है स्लैश बिन में क्या होता है आपके जो भी प्रोग्राम्स होता है एसेंशियल प्रोग्राम जैसे विंडोज़ का जैसे विंडो थर्टी टू सिस्टम थर्टी टू वगैरह होता है ना वैसा इसमें बिन में आपका फाइल्स होता है ई में आपके कॉन्फिग्रेशन फाइल्स होते हैं ओके और ये जो होता है सिर्फ ऐसा जो दिखता है ना मतलब सिर्फ एक ऐसे स्लैश है और आगे मतलब ये क्या है आपका रूट डायरेक्टरी होता है मतलब इधर आपका पूरा सिस्टम फाइल्स पूरा स्टोर्ड है मतलब जो भी डायरेक्टरी फाइल्स है हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव्स के जो भी आ, ये है डायरेक्टरीज है वो सब इसमें स्टोर्ड है फिर प्रॉक मतलब आपका प्रोसेसर्स जो भी है वो प्रोसेसर्स के सब इंफॉर्मेशन इधर टीएम पी टेम्पररी फाइल्स होम मतलब आपका जैसा सी ड्राइव होता है ना इसमें अपने इसमें विंडोज में वगैरह में वैसा इसमें होम डायरेक्टरी होता है जो कि सब फाइल्स उसमें स्टोर्ड रहता है ठीक है फाइल सिस्टम हरा के दैट इज स्टैंडर्ड एफ एस ऑनलाइन वो सब दिया हुआ है ठीक है स्टूडेंट्स होप सो आपको ये सेगमेंट भी समझा होगा इसके बाद हम लोग लिनक्स और ये सब दूसरे पार्ट में देखेंगे ठीक है ना सो टिल देन आई विल से यू सब्सक्राइब दिस चैनल लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो फिर विद योर फ्रेंड स्टूडेंट्स ओके टिल देन विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट सेगमेंट वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर ओके इसके आगे का हम लोग पूरा देखेंगे और एक्सरसाइज सोल्यूशन का भी देखेंगे और एस ओ पी वगैरह भी इसमें हम लोग करेंगे और एक दो पार्ट में हम इसको चैप्टर को कम्प्लीट कर देंगे ठीक है स्टूडेंट्स होप्सो आपको समझाओगे अगर कुछ कमेंट्स है डाउट्स है तो कमेंट करो एंड लाइक कर दो वीडियो को एंड शेयर कर दो आपके फ्रेंड्स स्टूडेंट्स में टिल देन थैंक यू हैव अ गुड डे